प्रिय अध्येताओं नमस्कार। आज हम आपके साथ उपस्थित हैं आपके DLED कार्यक्रम के कोर्स कोड 502 के साथ। इसमें हम चर्चा करेंगे कि विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के कौन कौन से प्रकार हैं। मैं अखिलेश कुमार आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं। आपने अक्सर सुना होगा विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी, तो आपके मन में ख्याल आता होगा कि ये विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी कौन होते हैं। तो इस संदर्भ में मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि विशेष आवश्यकता जो है एक अपरिभाषित पद है। इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा अभी तक नहीं है कि किसको हम विशेष आवश्यकता मानेंगे और किसको हम विशेष आवश्यकता नहीं मानेंगे। वस्तुतः व्यक्तिगत भिन्नता जो है वो इस दुनिया का शाश्वत सत्य है। हर दो आदमी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, कोई भी दो आदमी एक दूसरे के समान नहीं होता। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपने आप में अद्वितीय होता है, अपने आप में विशिष्ट होता है, उसकी अपनी क्षमताएँ होती हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य के रंग रूप, उसके सोचने एवं समझने की क्षमता, उसकी अधिगम क्षमता, उसके समायोजन की क्षमता एवं समायोजन के तरीके, उसकी विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक क्षमताएं जैसे कि बुद्धि, अभिवृत्ति, अभिरुचि, स्मृति आदि, सभी में प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है। कोई भी दो लोग ऐसे नहीं मिलेंगे आपको जिनकी बुद्धि समान हो, जिनकी अभिवृत्ति समान हो, जिनकी अभिरुचियाँ पूरी तरह से समान हो, जिनकी स्मृति पूरी तरह से समान हो। पूरा संसार जो है वो व्यक्तिगत भिन्नताओं से भरा पड़ा है। फिर भी विशेष आवश्यकता को परिभाषित करने का प्रयास कुछ लोगों ने किया है। जैसे नेशनल काउंसिल ऑफ स्पेशल एजुकेशन 2014 के अनुसार व्यक्ति की विभिन्न शारीरिक एवं या मानसिक क्षमताओं का सीमित होना जो विभिन्न शैक्षिक क्रियाकलापों में उसकी सहभागिता एवं उससे होने वाले लाभ को सीमित कर देता है उसे विशेष आवश्यकता के रूप में समझा जा सकता है। इसका कारण कोई दीर्घावधि शारीरिक, संवेदी, मानसिक अथवा अधिगम अक्षमता हो सकती है या कोई अन्य कारण हो सकता है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की अधिकतम आवश्यकताएं उन व्यक्तियों से भिन्न होती हैं जो इन स्थितियों से प्रभावित नहीं हैं। अगर आप इस परिभाषा को देखें, नेशनल काउंसिल ऑफ स्पेशल एजुकेशन 2014 की परिभाषा को देखें, तो इसमें कुछ बातें जो हमारे सामने आती हैं वो ये हैं कि विशेष आवश्यकता के लिए पहली स्थिति क्या है कि उसमें कोई ऐसी शारीरिक या मानसिक अवस्था है जो व्यक्ति की क्षमता को सीमित कर देता है। दूसरा जो है सामने आता है विशेष आवश्यकता के बारे में वो ये है कि व्यक्ति में जो उसकी क्षमताओं का सीमित होना है वह उसकी सहभागिता एवं शिक्षा में उससे होने वाले लाभ इनको भी सीमित कर देता है। और तीसरा जो है वो ये है कि इसका कारण कोई दीर्घावधि शारीरिक समस्या हो सकती है, कोई संवेदी समस्या हो सकती है जैसे शारीरिक समस्या अर्थात शारीरिक विकलांगता हो सकती है, संवेदी समस्या अर्थात उसको दृष्टिबाधिता हो सकती है, श्रवण बाधिता हो सकती है, कोई मानसिक समस्या हो सकती है अर्थात तो उसमें मानसिक मंदता या बौद्धिक अक्षमता जिसको कहते हैं अधिगम अक्षमता आदि हो सकती है, या फिर अधिगम अक्षमता उसमें मौजूद हो सकती है, या कोई और ऐसा कारण हो सकता है जिसके परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति की अधिगम आवश्यकताएं बाकी अन्य लोगों से भिन्न हो जाती हैं। संक्षेप में अगर बात करें तो विशेष आवश्यकता वाले बालक वे बालक हैं, इस श्रेणी में उन बालकों को रखा गया है जिनकी शैक्षणिक आवश्यकताएं सामान्य बालक से या एक औसत बालक से भिन्न हैं और उन्हें विशेष रूप से उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए शिक्षित किए जाने की आवश्यकता होती है। निःशक्तता युक्त बालक की बात करें अगर तो एक निःशक्तता युक्त बालक जो है वह पहले एक बालक है, अतः शिक्षा का अधिकार उसका भी अधिकार है जैसा कि शिक्षा का अधिकार अन्य बालकों का अधिकार है। अगर भारत के संदर्भ की बात करें तो निःशक्त बालक जो है वो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं और किसी भी देश का कानून जो है वो प्रभावित करता है वहाँ बालकों की विशेष आवश्यकता को परिभाषित करने में, और इस कारण से विशेष आवश्यकता वाले बालकों की श्रेणी जो है हर देश में अलग अलग है। हर देश की अपनी अपनी श्रेणियां हैं जो वहाँ के कानून पर आधारित हैं। जैसे अमेरिका में जो विशेष बालक की श्रेणी होगी वो वहाँ के आइडिया कानून पर आधारित होगी, इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन इम्प्रूवमेंट एक्ट पर आधारित होगी, जबकि जो भारत में निःशक्तता की श्रेणी है, विशेष आवश्यकता की श्रेणी है, वो निःशक्त जन अधिकार कानून के अनुसार होंगी। इससे पहले हमारे यहाँ पर्सन विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज फुल पार्टिसिपेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 1995 जिसको कि PWD कानून 1995 के नाम से जानते हैं लागू था, तो उसके अनुसार निःशक्तता की श्रेणियां जो थी वो 7 थी। लेकिन अब 2016 में हमारे यहाँ निःशक्त जन अधिकार कानून 2016 लागू हो चुका है, उसके अनुसार निःशक्तता के 21 प्रकार उसमें समाहित किए गए हैं, उसमें रखे गए हैं, और इन श्रेणियों में आने वाले सभी प्रकार के बालक विशेष आवश्यकता वाले बालक माने जाएंगे।
अगर हम निःसक्तता की श्रेणियों की बात करें तो जब भी निःसक्तता का वर्गीकरण किया जाता है तो अलग अलग श्रेणियों में फिर अलग अलग प्रकारों में उन्हें बांटा जाता है। तो हमारे जो निःसक्तजन अधिकार कानून है वह निःसक्तता की 6 श्रेणियों में उसने सभी प्रकार की निःसक्तताओं को सभी प्रकार की अक्षमताओं को रखा है। वे 6 श्रेणियां हैं, शारीरिक अक्षमता, बौद्धिक अक्षमता, मानसिक रुग्णता, अक्षमता जिसका कारण गंभीर न्यूरोलॉजिकल विकार हो या रक्त विकार हो, बहुविकलांगता, और 6ठी श्रेणी जो रखी गई है वो है कोई अन्य निःसक्तता जो संसद के द्वारा नोटिफाई किया गया हो। आइए एक एक करके इनके बारे में संक्षेप में देखते हैं इनमें कौन कौन से निःसक्तता के प्रकार को रखा गया है। शारीरिक अक्षमता की जब बात कर रहे हैं तो शारीरिक अक्षमता में मेनली 4 उपश्रेणियां बनाई गई हैं। उसमें पहली उपश्रेणी है चलन संबंधी अक्षमता, और इस चलन संबंधी अक्षमता में कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति, वे व्यक्ति जिनको कुष्ठ रोग था वो अब ठीक हो गया है और उसके कारण अस्थि विकलांगता उनके शरीर में आई है, वो रखे गए हैं। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से प्रभावित व्यक्ति अर्थात सेरेब्रल पाल्सी के व्यक्ति रखे गए हैं। बौनापन या ड्वार्फिज्म रखा गया है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी रखी गई है और एसिड अटैक प्रभावित व्यक्ति रखे गए हैं। दूसरी जो उपश्रेणी रखी गई है शारीरिक अक्षमता की श्रेणी में वो है दृष्टिबाधित की। इस उपश्रेणी में 2 अक्षमताएं रखी गई हैं, पहली अंधता और दूसरी अल्पदृष्टि। तीसरी जो उपश्रेणी रखी गई है वो श्रवण बाधिता की है, जिसमें भी 2 प्रकार की निःसक्तताओं को, 2 प्रकार की अक्षमताओं को रखा गया है। एक है बधिरता और दूसरी है श्रवण कठिनाई। और चौथी जो उपश्रेणी बनाई गई है इसमें वो है वाणी एवं भाषाई अक्षमता की, जैसे तुतलाना, हकलाना आदि। तो इन सबको एक ही उपश्रेणी में, वाणी एवं भाषाई अक्षमता में रखा गया है, अलग से उनको स्पेसिफाई नहीं किया गया है। इसके बाद दूसरी जो श्रेणी आती है वो बौद्धिक अक्षमता की आती है। तो बौद्धिक अक्षमता में भी मेनली 3 अक्षमताओं को रखा गया है। एक है बौद्धिक अक्षमता, दूसरी है विशिष्ट अधिगम अक्षमता, तीसरी है ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तीसरी जो श्रेणी बनाई गई है अक्षमता की या निःसक्तता की वो है मानसिक रुग्णता, जिसमें कि अलग अलग प्रकार के साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स शामिल हैं। और चौथी श्रेणी जो है वो 2 भागों में बांटी गई है। पहला, अक्षमता जिसका कारण गंभीर न्यूरोलॉजिकल विकार हो, जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस और पार्किंसन डिजीज, इन दोनों को इसमें रखा गया है उस अक्षमता की श्रेणी में जिसका कारण गंभीर न्यूरोलॉजिकल विकार हो। और चौथी श्रेणी की उपश्रेणी जो है वो है अक्षमता जिसका कारण रक्त विकार हो। रक्त विकार में 3 रक्त विकार रखे गए हैं, हेमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल डिजीज। पांचवी जो श्रेणी रखी गई है, बृहद श्रेणी रखी गई है, वो बहुविकलांगता की रखी गई है, अर्थात किसी व्यक्ति में एक से ज़्यादा अक्षमता या एक से ज़्यादा निःसक्तता जब हो तो बहुविकलांगता की श्रेणी में आता है। और 6ठी जो श्रेणी रखी गई है वो ऐसी विकलांगता से या ऐसी अक्षमता से अभिप्रेत है जो कि समय समय पर भारतीय संसद के द्वारा नोटिफाई किया गया हो। इस प्रकार आज की कक्षा में हमने जाना कि विशेष आवश्यकता वाले बालक एक विविध आवश्यकताओं से पूर्ण समूह है जिसकी आवश्यकता सामान्य बालकों से अलग है। इस समूह में सभी निःसक्तता युक्त बालक समाहित हैं। निःसक्तजन अधिकार कानून 2016 जो कि भारत सरकार ने 2016 में पास किया और जो 2017 से प्रभावी हो चुका है, के अनुसार कुल 21 प्रकार की निःसक्तताओं का वर्णन किया गया है और ये सभी निःसक्तताएँ 6 श्रेणियों में विभाजित की गई हैं। जो 6 श्रेणियाँ शारीरिक अक्षमता, बौद्धिक अक्षमता, मानसिक रुग्णता, अक्षमता इसका कारण गंभीर न्यूरोलॉजिकल विकार या रक्त विकार हो, बहुविकलांगता एवं कोई ऐसी अक्षमता जो संसद के द्वारा नोटिफाई किया गया हो, इन 6 श्रेणियों में समस्त 21 प्रकार की अक्षमता को बांटा गया है। और इस प्रकार 21 प्रकार जो है ये विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं। आगे की कक्षाओं में हम चर्चा करेंगे कि प्रत्येक श्रेणी की विशेष आवश्यकता क्या है और कैसे हम उसको पूरा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।